आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए फाइल लेकर आती हूँ। अब होने वाले दामाद के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब? मेरा मतलब ये है कि मुझे इन पेपर्स की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा जवाब ना है। मैं आपकी बेटी से निकाह नहीं कर सकता। माली 11 बजे आने वाला है, उसे आने में भी वक्त है। मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे पास उसका फोन नंबर नहीं है क्या? नहीं अम्मी। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि उसे वो गुड़िया जरूर मिली होगी। अम्मी अम्मी गुड़िया मिल जाएगी, आप प्लीज आके बैठ जाइए। आइए। मुझे बैठना नहीं है, मैं जाके खाना बनाती हूँ। बिल्लू भी नहीं आई है आज। नहीं अम्मी आप बैठी नहीं, प्लीज आप बैठ जाइए। तनवीर और जोया खाना बना रहे हैं, आप बैठिए। अरे कुछ नहीं, प्लीज बैठिए। हमें पता था कि आप हमारी सलाह पर अमल करके जामी के लिए कुछ ना कुछ जरूर बनाएंगी। या तनवीर, बट यू नो व्हाट, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा तब से कि मैं उनके लिए क्या बनाऊं। आई डोंट वांट टू मेक एनी रेगुलर डिश, यू नो, मैं कुछ डिफरेंट बनाना चाहती हूँ, पर क्या बनाऊं? यू नो व्हाट, आई जस्ट लव थाई फूड। तुम्हें क्या लगता है जहाँ पना सिक्स पैक्स की क्या राय होगी थाई को लेकर? राय तो अच्छी है, ट्राई कर सकते हैं। ग्रेट, इसमें देखते हैं। थाई फूड, थाई ग्रीन करी, फ्राइड चिकन, साटे चिकन। साटे चिकन ये अच्छा है, ये बना सकते हैं। ये तो देखने में इतना यम्मी लग रहा है, तो यही बनाते हैं, ओके? वेल, इसी बात पे एक शेयरर्स है। जब प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व तो क्यों है माथे पर शिकन? जब प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व तो क्यों है माथे पर शिकन? आओ सब मिलकर बनाते हैं जायकेदार साटे चिकन। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जोया माफ कीजिएगा, हमें अभी याद आया कि हमें क्लाइंट को अर्जेंट कॉल करनी है। हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, आप अकेले कर लेंगी ना? यस तनवीर, ऑफ कोर्स। वैसे भी तुम मेरी इतनी मदद कर चुकी हो और शायद तुम जानती नहीं हो कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो जोया फारूकी नहीं कर सकती। और जहाँ तक कुकिंग का सवाल है, इसमें तुम एक्सपर्ट हो तनवीर, डोंट वरी। और ये है ना, रेसिपी मेरे पास है और अब मैं बहुत ही यमी चिकन बनाऊंगी। तुम जाकर अपना काम करो, ओके? ठीक है। सोच लो, तुम्हारा इनकार करना तुम्हारे अब्बू की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। सर पर सेहरा पहन लो अयान मियां, वरना खामखा तुम्हारे अब्बू के गली में फांसी का फंदा पड़ जाएगा। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ होती है, फिर आप कौन होती हैं उसका फैसला करने वाले? आप तो एक निहायती खुदगर्ज औरत है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, जो अपनी बेटी तक की जिंदगी दांव पे लगाते हैं। वो मेरे अब्बू को क्या बचाएंगे? ताउम्र आपने मेरे अब्बू को प्यादा बना के रखा, लेकिन जो गलती मेरे अब्बू ने की है वो गलती मैं कभी नहीं करूंगा, समझिए आप? मैं भी देखती हूँ यार कि तुम ये निकाह कैसे नहीं करते। ए,
माली आ गया? माली? पता नहीं पुप्पी, क्यों क्या हुआ? नहीं, वो मुझे लगा कि नचमा है, but it's okay. Everything is okay? Okay, okay, leave it. ये टेस्ट कीजिए. मिस्टर खान के लिए मैंने स्पेशली साटी चिकन बनाया है. उनका मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा. टेस्ट करके बताइए कैसा बना है. जोया, तुमने बनाया है तो अच्छा ही होगा, लेकिन मेरा भी खाने का मन नहीं कर. प्लीज पुप्पी, मेरे लिए. आप क्यों भूल गई कि मिस्टर खान जहां पना भी है, इसलिए आप एक बार टेस्ट करके बताइए ना कैसा बना है. प्लीज सर, प्लीज टेल द लॉयर कि मैं वक्त पर कोर्ट पहुंचाऊंगा. देखिए सोया कितनी स्वीट है, उन्होंने खास आपके लिए डिश बनाई है. Then I should be scared. जब भी वो मेरे लिए कुछ करती हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है. आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा. कैसा है? यम्मी बना है ना? एक मिनट, तुमने इसमें पीनट डाला है? Yes, ग्रेवी में मैंने पेपर और पीनट. एक मिनट, तुमने ये असद को तो नहीं दिया ना? क्योंकि वो अच्छा नहीं है. अच्छा है, लेकिन असद पीनट नहीं खा सकता, उसे पीनट से एलर्जी है इतनी कि उसकी जान को भी. ओह माय गॉड, असद, असद रुको, ये असद को मत देना. असद ने खाया तो नहीं ना? क्या हुआ खाला, ये तो हमारी प्लेट है. जैमी तो ऑलरेडी खा चुके हैं. इसकी हालत तो और खराब होती जा रही है. असद, पुप्पी, घर में इनके लिए कोई मेडिसिन नहीं है क्या? नहीं, इतने वक्त से इसे कुछ ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि घर में ऐसी कोई मेडिसिन है. असद, असद उठो. खाला, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा. मैं ड्राइवर को बोल के आती हूं. बैठी, अभी के लिए कुछ करना होगा हमें. अरे असद, असद, शायद मिस्टर खान के रूम में कोई मेडिसिन. इन्हें उठाने में मेरी मदद कीजिए. असद, ध्यान से. बिल्लो, मेरा पर्स लेके आओ जल्दी, मुझे हॉस्पिटल जाना है. अम्मी गाड़ी निकल आ दी, चलिए चलो. ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से लेकर आओ. आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना. पुप्पी, वेट, वेट अ मिनट. क्यों? मैं आपको बता दूं, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, प्लीज इन्हें बिठाइए. ध्यान से. पुप्पी, मैंने नेट पे सर्च किया है. आई एम श्योर मिस्टर खान ठीक हो जाएंगे इस इंजेक्शन से. आर यू श्योर जोया? ये इंजेक्शन सही है? अगर कुछ और हो गया तो? हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है. हॉस्पिटल पहुंचने में कम से कम 30 मिनट और लगेंगे. आई थिंक जैसा जोया कह रही है, हमें वही करना चाहिए. इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. अभी मैंने ऑनलाइन चेक किया था कि जिन्हें भी पीनट से एलर्जी होती है वो ये इंजेक्शन हमेशा अपने पास रखते हैं. और मिस्टर खान इतने लापरवाह नहीं हो सकते कि उनके पास ये इंजेक्शन ना हो. भाईजान, अम्मी, भाईजान की ब्रीदिंग नॉर्मल हो रही है. भाईजान, जामिक सर,
बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर, मुझे इतनी सीवियर एलर्जी कभी नहीं। सबको पता है कि मुझे पीनट से एलर्जी है, तो खाने में पीनट क्यों थे? सोया कितनी स्वीट है, उन्होंने खास आपके लिए डिश बनाई है। ये आपने बनाया था? नो नो मिस्टर हान, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो ये भी नहीं जानती है आपको पीनट से एलर्जी है। आज जब मुझे कोर्ट जाना था, तभी आपको मेरे लिए कुछ बनाना था, और वो भी कुछ ऐसा जिससे मेरी तबीयत इतनी खराब हो जाती। आपने पहले भी मुझे रोकने की कोशिश की थी, और मैंने आपसे कहा था ऐसा कभी मत कीजिएगा, लेकिन तब भी। Trust me, Mr. Khan, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। तो फिर आपने यही डिश चूज क्यों की? जैमी, मैंने ही वो डिश जोया को बनाने के लिए कहा था। तनु, तुम्हें पता है मुझे पीनट से एलर्जी। जैमी, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी। इसमें जोया का कोई कसूर नहीं है। अगर आपको नाराज होना है तो मुझ पर होइए, जोया पर नहीं। इनफैक्ट जोया ने तो आपकी जान बचाई है। अगर वो इंजेक्शन लेकर नहीं आती तो खुदा जाने क्या होता। थैंक्स सोया, वरना हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। हम तो तुम्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे असद, लेकिन उसमें भी वक्त लगता। आई थिंक हमें जोया को थैंक्स करना चाहिए। मैंने आपसे जो कुछ कहा उसके लिए सॉरी। एंड थैंक्स फॉर सेविंग माय लाइफ। नजमा, भाई को अंदर ले जाओ। जी। जैमी, आपको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। माली अभी तक क्यों नहीं आया है? अगर उसे गुड़िया मिल गई होगी तो उसने जरूर संभाल के रख ली होगी। खुदा ना खास्ता अगर उसने फेंक दी तो। या अल्लाह, ये क्या है? अच्छा सुनो, अगर माली आएगा तो उसे जाने मत देना, बहुत जरूरी काम है उससे। ठीक है माली?
वो तो नहीं आएगा, आपको नहीं पता, वो तो कल रात ही अपने गांव चला गया, तो अब आएगा क्या पता। अल्लाह, शिरीन, दिलशाद, वो लोग राशिद पर जेल में बहुत जुल्म कर रहे हैं। दिलशाद, राशिद बहुत बुरे हाल में है। क्या? हाँ, मैं सच कह रही हूँ दिलशाद, अगर राशिद को सजा होगी तो वो लोग राशिद को जेल से बाहर जिंदा नहीं आने देंगे। असद को रोक लीजिए, वरना राशिद, मैं बरसों पहले उसके अब्बू को भी नहीं रोक पाई थी, आज उसे कैसे रोकूं? एक और तरीका है, अगर आप चाहें तो आप राशिद की मदद कर सकती हैं। खाला, वो क्या है ना खाला, हम कढ़ाई किए बिना ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, तो इसीलिए आपके कुशन कवर्स पर ही काम करना शुरू कर दिया। आपको बुरा तो नहीं लग रहा खाला? नहीं नहीं, इसमें बुरा लगने की क्या बात है। क्या हुआ खाला? कुछ नहीं, हम जरा बाहर जा रहे थे। नजमा और जोया कहाँ हैं? वो लोग तो अभी बाहर गए हैं, कह रहे थे कि मजार जा रहे हैं, शायद वो कोर्ट की सुनवाई है ना, इसलिए। हम भी जाना चाह रहे थे पर कमबख्त ये पैर। अच्छा मैं चलती हूँ, जल्द लौट आऊंगी। खाला, हम भी साथ चले? नहीं नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। हेलो, अम्मी, अम्मी कहाँ? पता नहीं, अभी अभी बाहर गई हैं, बहुत परेशान लग रही थी। दो घंटे में कोर्ट की हियरिंग है, इस वक्त अम्मी को कहाँ जाना था? क्या हुआ जानी, सब खैरियत तो है? देखो ना, फिरोज भाई ने 1 करोड़ रुपए गिनने का काम भी मुझे ही दे दिया। अब 1 करोड़ रुपए गिनते गिनते तो मेरे हाथ थक जाएंगे ना। पर कहाँ है रुपए, अभी तक नहीं आए जी। अभी बुलाते ही होंगे पैसे। दुआ करो कि राशिद मियाँ की कोर्ट हेयरिंग से पहले ना रुपए आ जाए। कोई बात नहीं जामी, आ जाएंगी। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अम्मी के लिए परेशान हो रहा था, उनकी तबीयत अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुई। थैंक गॉड तुम यहाँ, कोई तो है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। उन्होंने कहा वो कब तक आएंगी या कहाँ जा रही? नहीं, हेलो हेलो, मिस्टर असद अहमद खान, मैं बैंक मैनेजर भाटिया बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हमारे बैंक में जो आपका और आपकी माताजी का ज्वाइंट अकाउंट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। एक्चुअली हमारा प्रोटोकॉल है कि अगर अकाउंट से कोई बड़ी रकम निकाली जाए तो हम दोनों अकाउंट होल्डर को खबर करते हैं। बड़ी रकम? अम्मी और मेरा ज्वाइंट अकाउंट है, लेकिन उसमें से कोई बड़ी रकम निकाली नहीं गई। देखिए जनाब, हो सकता है कि आपके लिए छोटी रकम, लेकिन हमारे लिए ये काफी बड़ी रकम है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि आपकी माताजी अभी अभी हमारे बैंक से 1 करोड़ रुपए लेकर गई। अम्मी को इतने पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई?